हेलो ट्रेडर्स, सीखो शेयर बाजार में आपका फिर से स्वागत है। हमारी ब्रेकआउट सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ब्रेकआउट के लिए बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप कौन सा है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप के साथ आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। ब्रेकआउट पैटर्न में एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और रूल्स कौन कौन से फॉलो करने चाहिए, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे एक स्टॉक है दोस्तों, मैं इसमें वन डे सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेली चार्ट, वीकली में भी सेम तरीका रहता है। आप ब्रेकआउट के अगर चेक करना है ट्रेडिंग सेटअप के साथ, ठीक है, मैं आपको डेली में बता रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए। वीकली में भी ये जो मैं आपको तरीका बताने जाने वाला हूँ, इसी तरीके से आप वीकली में भी चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ दोस्तों, तो आपको समझाने में आसानी हो जाएगी। जैसे मैंने अपने ट्रेडिंग सेटअप के साथ बताया था कि देखो यहाँ पे स्टॉक, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस पे देखो, ये स्टॉक यहाँ पे 111.548 पे यहाँ पे नया हाई बनाया था, ठीक है। यहाँ पे अगर ये यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है, ये उसका आप बोल देख सकते हो यहाँ पे। जस्ट मिनट, ठीक है, ये टेस्टिंग वन, मतलब यहाँ पे फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था। उसके बाद आप देख सकते हो स्टॉक यहाँ से मूव कर रहा है, मूविंग एवरेज के साथ भी आप देख सकते हो कि देखो क्रॉस ओवर हो रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, सेल सिग्नल नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ से उसने सेकंड टाइम यहाँ पे टेस्ट किया रेजिस्टेंस को, ठीक है। रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट पॉइंट पे, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पे देखो थोड़ा ऊपर ब्रेकआउट किया पर कोई कंफर्मेशन नहीं आया, ठीक है। तो ये सेकंड टाइम टेस्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे थोड़ा ऊपर, यहाँ पे बुलिश रैली शुरू हुई पर यहाँ पे आगे सस्टेन ट्रेंड कर नहीं पाया। तो यहाँ पे बाद में फिर से 150 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सपोर्ट के लिए मूविंग एवरेज आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाद में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये कैंडल पे, ये थर्ड टाइम जब रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट हुआ, ये इसको ब्रेकआउट बोलेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 1121 पे, ठीक है। अभी ब्रेकआउट तो होता है पर उसका रूल्स क्या है कि कहाँ पे एंट्री पॉइंट लेना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो नहीं मालूम है तो ट्रेडिंग का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, आपको लॉस जाएगा। अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर किसी ने ब्रेकआउट समझ के ट्रेड ले लिया होता है ये जगह पे, ये जहाँ पे टेस्ट टू किया है, ठीक है, तो उसको लॉस हो चुका होता। ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, ये स्टॉक चल रहा है, ये तो चलो हर रोज़ बढ़ रहा है तो हम ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बाय कर लेंगे, बाद में यहाँ पे सेल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सेल कर देंगे, स्टॉक ऊपर नहीं जा रहे, जैसे ही सेल करेंगे बाद में ये स्टॉक ऊपर चला गया फिर से। इसलिए ये अगर आप चार्ट के साथ एनालिसिस करते हो, आप जितने भी आपके फंडामेंटली या कोई भी आपको जैसे स्टॉक आपके नज़र में है, देखो बहुत सारे स्टॉक है, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट होने वाला है। अब आप NSE की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो, 52 वीक हाई हर रोज उसमें अपडेट रहता है कि कौन कौन से स्टॉक ब्रेकआउट कर रहे हैं, नया नया हाई लगा रहे हैं, ठीक है। और आप खुद के जो भी आपकी वॉच लिस्ट में हो वो स्टॉक भी आप हर रोज उसका चार्ट एनालिसिस करते रहना है, तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको एंट्री पॉइंट मैं बता देता हूँ कहाँ पे रहेगा। ये जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, उसके ये मतलब ये रेजिस्टेंस लेवल है हमारा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल मैं आपको बता देता हूँ, ये 111.116 पे रेजिस्टेंस लेवल एक है और ये सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है 1131 पे। तो ये इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कोई भी कैंडल कंफर्मेशन के लिए रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ओपन होके वहीं पे क्लोज होना ज़रूरी है, तभी वो कंफर्मेशन माना जाएगा, ठीक है। तो कंफर्मेशन कैंडल पे बाय नहीं करना है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा बुलिश कैंडल लग रही है, थोड़ी बड़ी कैंडल लग रही है तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आप ये जो सेकंड कैंडल बन रहा है वो सेकंड कैंडल ने बुलिश पिन बार बनाया, यहाँ तक नीचे गया था, बाद में क्लोज रेजिस्टेंस के ऊपर हुआ, ठीक है।
तो ये हमारा कंफर्मेशन हो गया। तो नेक्स्ट डे क्या करेंगे, ये जो जैसे यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ है 111, यहाँ पे क्लोज है 1120 पे, तो अभी देन नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट ओपन होता है हम इसके 2 या 3 रुपये ऊपर, थोड़ा सा ऊपर बाय पॉइंट रखेंगे, ठीक है, वहाँ से बाय कर लेना है। तो वो आप ट्रेड, वो ट्रेंड के अंदर मतलब आपके आपके आपका पोजीशन हो गया, ठीक है। अभी जैसे ये बाद में चेक करते रहना है कि कहाँ पे जा रहा है स्टॉक, ठीक है। ज़्यादातर लोग मतलब मैं मेरी खुद की एनालिसिस की बात करूँ तो मेरा कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर मैं बाय करता हूँ। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स मैंने देखा है वो क्या करते हैं, अगर ये रैली यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, बाद में यहाँ पे जब नए रेजिस्टेंस लेवल पे काफ़ी स्टॉक मैंने देखा है, काफ़ी स्टॉक यहाँ पे 20 डेज EMA है हमारा, जो ये लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे उस पर सपोर्ट लेगा, सपोर्ट होने के बाद पुल बैक करेगा, पुल बैक पे जो कैंडल बाद में सेकंड कंफर्मेशन, जैसे यहाँ पे एक कंफर्मेशन आया वैसा सेकंड कंफर्मेशन पुल बैक पे आता है तो वहाँ पे ट्रेड लेते, तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। पर ऐसा मौका ना भी मिले, देखो यहाँ पे जैसे मौका ना मिला, अगर यहाँ पे ये दूसरा के पुल बैक यहाँ पे ये जगह पे देखो ये 1114 पे यहाँ पे मतलब सपोर्ट लेके ऊपर गया है, ठीक है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये दोबारा यहाँ पे आए, वो शायद यहाँ से ऊपर भी चला जा सकता है, ठीक है। और इस तरह से आपको आपका प्रॉफिट रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से आप चेक देखते रहे, मतलब आप सेल कर सकते हो, ठीक है। और सेल पॉइंट भी आपको मैं अगले इसी वीडियो में बताऊंगा कि सेल भी कहाँ करना है, ठीक है। तो पहले इससे पहले थोड़े रूल समझ लेते हैं, ठीक है, ये मेरे ट्रेडिंग रूल्स हैं, आप भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसमें फर्स्ट सिग्नल तो हमने देखा कि एक कैंडल का सिग्नल होना ज़रूरी है, ठीक है, ब्रेकआउट पे। ज़्यादातर केस में दोस्तों क्या होता है, फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, सेकंड टाइम टेस्ट किया, थर्ड टाइम टेस्ट किया, ठीक है, थर्ड या फोर्थ टाइम या फिफ्थ टाइम में, मतलब 3 या 4 टाइम में ब्रेकआउट हो ही जाता है। अगर नहीं होता है तो समझ लेना है कि वो ट्रेंड में जो बुलिश ट्रेंड है उसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि ब्रेकआउट कर पाए, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा कोशिश हो जाना है। अभी आपका उसमें कौन कौन से रूल्स जो मैंने गोल्डन रूल्स बनाए हैं तो आप से एक बार समझ लीजिए। ये एक तो ब्रेकआउट के ऊपर ओपन एक क्लोज होना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर 2-3 रुपये ऊपर बाय पॉइंट आपका रहेगा, ये रूल नंबर 1 हो गया। ये सारे रूल्स दोस्तों आप अगर आपको ऐसा लगे कि तो ये वीडियो जब भी आप ब्रेकआउट का कोई भी पोजीशन लेने वाले हो तो वीडियो दोबारा भी देख लेने में कोई अर्ज नहीं है, ठीक है, या आप नोट भी कर सकते हो कौन कौन से रूल्स हैं। ये रूल्स हो गया, ऊपर ओपन और क्लोज होना चाहिए कैंडल, उसके 2-3 रुपये ऊपर ही बाय करना है। कुछ केस में क्या होता है, ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया, कंफर्मेशन भी है, पर तीसरा कैंडल उसको उसकी हाई पे तोड़ नहीं पाया और वहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी सेकंड एक रूल है, वो क्या है वो आपको बताता हूँ, ऑल मूविंग एवरेज आर बुलिश, ओके, शुड बी बुलिश। अभी क्या रहेगा, देखो जैसे मैंने आपको बताया था, ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप था, आपका जो 50 डेज मूविंग एवरेज है यहाँ पे देख सकते हो ये वाला, ठीक है, ये 15 डेज मूविंग एवरेज ये नीचे होना चाहिए, आपका 40 डेज मूविंग एवरेज जो है EMA वो ऊपर होना चाहिए और उसके ऊपर 20 डेज, मतलब ये पैरेलल एक ही लाइन में इस तरह से यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो इसी लाइन में चलने होने चाहिए, इस तरह से मतलब वो मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि वो नीचे आ रहा हो, ठीक है, तो वो मतलब 20 डेज मूविंग एवरेज ऊपर होना ज़रूरी है तभी ट्रेड वैलिड है, ठीक है। तो ये अपना सेकंड रूल हो गया। और इंडिकेटर्स भी बुलिश होने चाहिए, बुलिश इंडिकेटर्स में आपको मैं जैसे यूज़ करता हूँ काफ़ी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, पर मेरे लिए RSI और MACD और वॉल्यूम ये तीनों बेस्ट है। तो RSI में क्या है, देखो देखो दोस्तों यहाँ पे आपका ये ब्रेकआउट किया, ठीक है, तो ब्रेकआउट पे देखो RSI भी क्या सिग्नल दे रहा है, RSI भी अप ट्रेंड में जा रहा है, तो मतलब RSI ने भी बाय सिग्नल दिया है, ठीक है। अभी MACD, तो MACD ने भी देखो फास्ट लाइन ने क्रॉस कर दिया है तो ये भी बुलिश सिग्नल दे रहा है, ठीक है, यहाँ से आप चैनल देख सकते हो ये MACD का।
एमएसीडी के बारे में भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। एमएसीडी बहुत अच्छा इंडिकेटर है मेरे हिसाब से। तो जितना आप उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे चार्ट के साथ, वो बहुत सारे सिग्नल देता है, बाय सिग्नल सेल सिग्नल, और बहुत सारे एक्यूरेसी भी उसमें बहुत मिलती है। ठीक है, ये अकेला ऐसा इंडिकेटर है जो पहले से बता देता है कि बाय करना है सेल करना है, मतलब ट्रेंड के लिए, ट्रेंड पता करने के लिए सबसे बेस्ट है। और थर्ड टाइम यहाँ पे वॉल्यूम भी चेक करते रहना है, वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है और ब्रेकआउट हो रहा है, वॉल्यूम आपका जैसे डिक्रीज हो रहा है वो और ब्रेकआउट हो रहा है, तो मतलब ब्रेकआउट में इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है। ठीक है, तो वो भी चेक करते रहना है। अगर ये देखो, ये इंडिकेटर्स भी बुलिश होने चाहिए, ये कैंडल भी ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होना, ओपन क्लोज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपने ये एक स्टॉक दिखाया मैंने आपको। ठीक है, अभी एक सेकंड स्टॉक भी देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। कौन सा, एक अशोक लेलैंड ले लेते हैं। जैसे दोस्तों मैंने बताया था, ये यहाँ पे टेस्ट वन हुआ। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट फर्स्ट टाइम टेस्ट किया। ओके, यहाँ पे एक दूसरा भी रेजिस्टेंस बन रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है, आपका मैं ब्लैक कलर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, नया हाई बनाया। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक ने अभी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेके फिर से पुल बैक किया, टेस्ट टू किया, दो बार रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, बाद में फिर से स्टॉक नीचे आया। यहाँ पे 50 50 डेज पे 50 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, बाद में थर्ड टाइम जब ब्रेकआउट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, बाय पॉइंट तो मैंने बता दिया था, अभी स्टॉप लॉस कहाँ रखना है तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉप लॉस नहीं रखते हो तो पता नहीं आपको प्रॉफिट कब कर पाओगे, क्योंकि आपका अगर स्टॉप लॉस किसी भी स्टॉक में आप रखना भूल गए। ठीक है, अगर आप रेगुलरली देखते रहते हो, स्क्रीन के सामने बैठे रहते हो, तो ठीक है कि आप सिस्टम में स्टॉप लॉस ना रखो। ठीक है, मैं बाई चांस गैप डाउन हो गया या मार्केट क्रैश हो गया तो आपका पैसा, मतलब आपको नुकसान हो जाएगा, इसलिए स्टॉप लॉस आप अगर स्ट्रेस मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ, पर मैं स्क्रीन के सामने बैठा रहता हूँ। ठीक है, तो मुझे स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मुझे मेरे वॉच मेरे स्क्रीन के सामने ही सारे स्टॉक्स होते हैं जितने मैंने पोजीशन लिया है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। यहाँ पे मतलब जगह मैं आपको बता देता हूँ, जो भी ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है, उसके एग्जैक्टली नीचे नहीं रखना है, वो स्टॉप लॉस हिटिंग एरिया है मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से। जितने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस होते हैं ना, 2-3 रुपये, 3-4 रुपये, 5 रुपये नीचे, वो कट ही जाते हैं ज़्यादातर केस में। ठीक है, अगर स्टॉक में मैनिपुलेशन हो रहा है तो आप स्टॉक से, मतलब ट्रेंड से बाहर हो जाओगे स्टॉक से, और वो स्टॉक बाद में फिर से ऊपर चला जाएगा। इसलिए जैसे ये ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे उसका 128.89 है, तो उसका स्टॉप लॉस आपको 127 थोड़ा दूर रखना है, 126 127 रखना है। ठीक है, अब ये जैसे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन और क्लोज ये कैंडल हुआ। ठीक है, ये सारा मूविंग एवरेज है, वो भी हमें बाय सिग्नल दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एमएसीडी भी बाय सिग्नल दे रहा है। ठीक है, आरएसआई भी बाय सिग्नल दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कंफर्मेशन हो गया कि ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन है। ठीक है, बाद में जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, सेकंड टाइम देखो यहाँ पे हमने तो पोजीशन ले लिया। ठीक है, अभी ये स्टॉक यहाँ पे गया, बाद में फिर से उसमें सेलिंग आया। अभी कुछ नए ट्रेडर्स, कुछ रिटेल इन्वेस्टर को क्या लगेगा कि ये स्टॉक अभी आगे नहीं जाएगा, तो वो यहाँ पे सेल कर देंगे।
ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, ये सेकंड टाइम अपॉर्चुनिटी हुआ यहाँ पे, ये 5.2 हुआ आपका। या अगर यहाँ पे आप लेना भूल गए, मैंने जैसे बताया कि ये डायरेक्ट ऊपर भी चला जा सकता है, ज़्यादातर केस में ऊपर ही जाता है, ये सेकंड टाइम पुल बैक करे वैसा चांसेस बहुत कम होता है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो यहाँ पे ये देखो आपका, ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, जो पहले रेजिस्टेंस था अभी वो सपोर्ट हो चुका है, ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद। तो वो सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद तुरंत बाय नहीं करना है, सपोर्ट लेने के बाद जो भी ये बेरिश कैंडल था उसके ऊपर 2-3 रुपये ऊपर आपको यहाँ पे बाय कर देना है, ये वाले कैंडल पे, मतलब ये 134 पे। अगर ये 134 से 134.70 था तो 135 पे आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो ये बाद में आप पूरा रैली एंजॉय कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये इसमें ज़्यादातर ये आप अगर कोई भी रूल्स तोड़ते हो, अगर आपने जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड ले लिया तो वो आपका ट्रेड गलत हो जाएगा। आपको सारे इंडिकेटर, सारा मूविंग एवरेज, जो भी मैंने रूल्स बताया कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर किस तरह से क्लोज होना चाहिए, वो सारी चीज़ें देखते रहना है, ठीक है, तभी आपको ट्रेड में मुनाफा हो सकता है, नहीं तो लॉस भी हो सकता है। और आपको मेन तो आपको चार्ट सही से सिलेक्ट करना है। अगर आपने 1 आवर पे सिलेक्ट कर दिया है तो आपका ट्रेडिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा उसमें, क्योंकि आपने अगर 1 आवर में तो मतलब वो 1 घंटे में ट्रेंड बदल भी सकता है, ठीक है। तो ये हमेशा चेक करते रहना है कि आपने 1 डे सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर वीकली सिलेक्ट किया है तो भी गलत हो सकता है, क्योंकि वीकली में शायद अलग सिग्नल देगा, ठीक है। अभी एक और स्टॉक देख लेते हैं, हमने जो लास्ट एक स्टॉक देखा था डीमार्ट, वही देख लेते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया यहाँ पे टेस्ट 1 हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नया ही बनाया था 1293 पे, यहाँ पे बाद में फिर से सेलिंग, यहाँ पे 50 डेज मूविंग एवरेज पे, मैंने जैसे बताया कि ये सारे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है कोई भी स्टॉक, ठीक है। बाद में ये उसका रेजिस्टेंस पे सेकंड टाइम टेस्टिंग किया, टेस्ट करने के बाद यहाँ से फिर से ऊपर गया, पर ये सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था तो यहाँ पे तोड़ नहीं पाया उसको। तो बाद में यहाँ पे फिर से ये लास्ट सपोर्ट, यहाँ पे शायद मार्केट क्रैश हुआ था मुझे याद है तब तक, बाद में ये 150 डेज़ की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ से बुलिश रैली शुरू हुई, बाद में 20 डेज़ ई एम ए पे सपोर्ट लिया, बाद में ये थर्ड टाइम टेस्ट करके ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसमें भी हमारा ट्रेड कैसे कंफर्म होता है, देखो ये ब्रेकआउट कैंडल हो गया, उसके बाद ये बेरिश कैंडल है, पर हम ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि ये ओपन और क्लोज कहाँ पे हुई है, तो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था 1287, तो उसके ऊपर ये ओपन और क्लोज हुई है, तो ये कंफर्मेशन कैंडल है। तो नेक्स्ट डे क्या करेंगे, नेक्स्ट डे उसके 2-3, ये जो कैंडल बना है उसके 2 रुपये ऊपर, 2-3 रुपये ऊपर हम इसमें ट्रेड में एंटर हो सकते हैं, ठीक है। बाद में इसे भी देखो, जैसे अगले स्टॉक में सेकंड टाइम चांस मिला था उसी ट्रेड में, मतलब ब्रेकआउट में एंटर करने का, तो यहाँ भी देखो यहाँ पे फिर से ये सपोर्ट पे पुल बैक कर रहा है, ठीक है। यहाँ तो ये भी आपका 5.2 हुआ, तो यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है। अभी आपका स्टॉप लॉस तो मैंने आपको बता दिया ना कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल बन रहा है उसके नीचे, मतलब थोड़ा थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखना है ब्रेकआउट कैंडल से 4-5-10 रुपये नीचे। जैसे स्टॉक के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, ये समझ सोचना कि अगर ये 120 रुपये का स्टॉप है तो 10 रुपये नीचे रखो, आपको अपने हिसाब से देख लेना है कि ये ब्रेकआउट जो कैंडल है, जैसे ये इसका प्राइस पड़ा है तो ये 1251 है, तो यहाँ पे आप इसका 10-20 रुपये यहाँ पे रख सकते हो, छोटे स्टॉक के अमाउंट में आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप बुलिश रैली एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। बाद में सेल कब करना है वो भी मैं आपको एक दो और स्टॉक देख लेते हैं उसमें भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये एक स्टॉक हो गया, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको जो भी रूल्स है वो सारे याद रखने हैं और रूल्स को फॉलो करके आप ट्रेड करोगे तभी आपको मुनाफा होगा,
इसमें ही देखो, एमएससीडी ने बाय सिग्नल दिया हुआ था, आरएसआई भी अप ट्रेंड में है, ठीक है, वॉल्यूम भी यहाँ पे आप देख सकते हो, वॉल्यूम भी इसका काफ़ी था जब ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। अभी एक स्टॉक और देख लेते हैं, इसमें दोस्तों शायद आपने सुना होगा कि ब्रेकआउट फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है, तो फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ट्रेड ले लिया, बाद में आपको ऐसा लगे कि चलो मैं तो ट्रेड में एंटर हो चुका हूँ, अब तो मुझे मुनाफा ही होगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है। कोई भी ट्रेंड हो, सॉरी, कोई भी ट्रेंड हो उसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है उसका सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, ठीक है, और फॉल्स ब्रेकआउट किस तरह से होता है ये भी मैं आपको ये यहाँ पे बता देता हूँ। स्टॉक में देखो, यहाँ पे टेस्ट वन किया, ठीक है, यहाँ बाद में यहाँ पे 40 डेज EMA पे सपोर्ट लिया था, ठीक है, बाद में ये स्टॉक ने यहाँ पे टेस्ट टू किया, ठीक है, बाद में ये सपोर्ट पे फिर से पुल बैक किया यहाँ से, और ये रैली थर्ड टाइम यहाँ पे, थर्ड टाइम भी ये तोड़ नहीं पाया, ठीक है, और ये फोर्थ टाइम पे नीचे यहाँ पे 50 डेज और 40 डेज EMA पे सपोर्ट लिया, ठीक है, बाद में यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो चुका है। अभी ब्रेकआउट के ऊपर ओपन और क्लोज ये ट्रेड पे, यहाँ पे ब्रेकआउट सारे ट्रेडर्स यहाँ पे इसमें एंटर कर चुके होते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है, अगर आपने ध्यान नहीं रखा, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस है, मतलब आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे ये नीचे स्टॉक आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, तो ये क्या हुआ, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ से आपको आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये ज़्यादा नीचे जाएगा या मतलब या वापिस पुल बैक करके ऊपर आएगा, ऐसा हो भी सकता है, पर अपने रिस्क एंड रिटर्न रेशियो के हिसाब से निकल जाना है ट्रेड में तो ही अच्छा है। तो ये आपके स्टॉप लॉस से आपको निकल जाना है। ये फॉल्स ब्रेकआउट कैसे होता है ये आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक में फिर से भी देखो, ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम टेस्टिंग कर रहा है, ये स्टॉक नीचे आ रहा है, तो इस तरह से फॉल्स ब्रेकआउट भी होते हैं। काफ़ी स्टॉक ऐसे मिलेंगे आपको ब्रेकआउट वाले जिसमें फॉल्स, वो ज़्यादातर फॉल्स ब्रेकआउट देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कोई भी ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग स्टाइल में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, देखो यहाँ पे सेल सिग्नल पहले से MACD ने दे दिया था यहाँ पे, ठीक है, और ये RSI भी देखो, RSI भी बुलिश नहीं था यहाँ पे, सॉरी, ये RSI बुलिश है, बाद में ये सिग्नल दिया RSI ने कि ये सेल करो, ठीक है। अभी एक और स्टॉक देख लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पे टेस्टिंग वन हुआ, यहाँ पे फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, ठीक है, बाद में ये सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ पे फिर से बुलिश रैली स्टार्ट हुई, पर यहाँ पे रेजिस्टेंस पे जा नहीं पाया स्टॉक, ठीक है, यहाँ पे फिर से बुलिश रैली स्टार्ट हुई, ये सेकंड टाइम उसको टेस्ट किया, ठीक है। अभी यहाँ से फिर से 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, ठीक है, और यहाँ से फिर से ये टेस्ट थ्री पे, मतलब ये थर्ड टाइम उसने ब्रेकआउट कर दिया। अभी ब्रेकआउट होने के बाद हमारा ट्रेड कहाँ बनता था, तो हमारा ट्रेड ये ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर ये ओपन और क्लोज़ हुआ, ठीक है, तो ये कैंडल के ये यहाँ पे क्लोज होता है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, ये हमारा बाय पॉइंट हो गया, ठीक है। बाय पॉइंट होने के बाद, ठीक है, ये यहाँ पे आप पूरा रैली एंजॉय कर सकते हो। बाद में यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये रेजिस्टेंस आ गया, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये मतलब अभी ट्रेंड में देखो, RSI ने सिग्नल दे दिया, MACD ने भी सिग्नल दे दिया कि ये अभी स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। काफ़ी बार दोस्तों क्या होता है, ब्रेकआउट हुआ है पर अभी ये इतना जल्दी नीचे क्यों आया, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कोई न्यूज़ हो सकता है, कोई रिज़ल्ट ख़राब आया हो सकता है, या क्रूड
ये जैसे इंडिगो है तो क्रूड प्राइस शायद बढ़ जाते हैं तो भी हो सकता है। तो ये सारे चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। मैक्रो माइक्रो लेवल के जो भी पॉइंट्स होते हैं वो भी आपको ध्यान में रख के ट्रेडिंग सेटअप करना है। तो यहाँ पे शायद क्रूड का प्राइस बढ़ गया था या ऐसा कुछ हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर ये वीकनेस यहाँ पे दिख रहा है। देखो यहाँ पे ये कंसोलिडेट काफ़ी सेशन से हो रहा था, यहाँ पे एक ही लाइन में चल रहा था, ये स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा था, ठीक है। तो बाद में इमीडिएट उसमें सेलिंग आ गई, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको और आपका सेल सिग्नल, जैसे कोई भी स्टॉक हो, जैसे मार्केट बुलिश है, ठीक है, ये तो चलो साइडवेज है या बेरिश जोन बेरिश मार्केट में ऐसा कुछ इस तरह से हो सकता है, पर जैसे फुल्ली बुलिश ट्रेंड में हो मार्केट, तो उसमें सेल कब करना है। तो ये तीनों लाइन, जैसे ये 20 डेज EMA, 40 डेज EMA और 50 डेज मूविंग एवरेज, ये तीनों एक ही लाइन में ऊपर चल रहा है इस तरह से, ठीक है। तो आपको सेल नहीं करना है, पूरा रैली एंजॉय करो जब तक ये 20 डेज EMA मुड़ नहीं जाता यहाँ से, मतलब वो नीचे मुड़ेगा और ये आपका जो 40 डेज EMA उसको क्रॉस ना करें। जब क्रॉस करता है, ठीक है, तब यहाँ पे आपको सेल कर देना है, ठीक है। तो ये आपका जब छोटा प्रॉफिट मिलेगा, पर आप यहाँ पे आपको सेल सिग्नल मिले तो तुरंत निकल जाना है, अगर आप निकलते नहीं हो तो आपको ज़्यादा लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज के वीडियो में सारा ट्रेडिंग रूल्स जो भी पहले बताया था वो सारा रूल्स एक बार आप याद कर लो, उसी हिसाब से आप ट्रेडिंग करो तो आपको मुनाफा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और बेल बटन दबाना ना भूले अगले वीडियो के रिमाइंडर के लिए। वीडियो से पहले दिया हुआ डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़े दोस्तों, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इस वीडियो में दिए हुए कोई भी स्टॉक की कोई हमारी बाय होल्ड और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने खुद का रिसर्च कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। धन्यवाद।